हेलो फ्रेंड्स, भारत के भूगोल में अभी हम बात करने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, या पूर्वी घाट में स्थित चोटियों के बारे में, या फिर ईस्टर्न घाट हिल्स के बारे में। यहाँ पर जितनी भी जुड़ी जानकारियाँ होंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में दो पर्वत श्रृंखला है, खास करके एक पूर्वी घाट और दूसरा है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को ही हम लोग महेंद्रगिरी पर्वत या महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह भी है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वह सतत नहीं है, मतलब एक प्रकार से नहीं है, वह कहीं ज्यादा कहीं कम है। लेकिन पश्चिमी घाट की जो विशेषता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो विशेषता है, वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने से उसकी हाइट बढ़ती जाती है, मतलब पर्वत की जो चोटियां हैं उसकी हाइट निरंतर बढ़ती जाती है जब ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं। तो यह इसकी विशेषता है। तो चलिए हम लोग अभी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को जानते हैं और अच्छे से इसको अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये मैं बना दिया हूँ ताकि समझने में और देखने में आसानी हो। तो मैंने भी कहा कि महेंद्रगिरी पर्वत यह होता है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, और इसका जो विस्तार है वह भारत के उड़ीसा राज्य से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक स्थित है। तो आपको यह भी जानकर ध्यान रखना है कि उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, यानी कि पूर्वी घाट का विस्तार है। और इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक यहाँ पे मैं बना दिया, तो वह है पहला महेंद्रगिरी पर्वत, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1501 मीटर। तो इसी के नाम से इधर वाला जो घाट है उसी का नाम महेंद्रगिरी पर्वत रखा गया। तो इसका जो ऊंचाई है वह है 1501 मीटर, और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब उसके बगल में लेफ्ट साइड की ओर यानी पश्चिम की ओर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, उसका नाम है जो चोटी है या जो पहाड़ी है उसका नाम है देवमाली, और इसकी जो ऊंचाई हुआ है 1672 मीटर। तो देवमाली जो है वह दूसरी है महेंद्रगिरी के बाद में पश्चिम साइड की ओर, और यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है हमारा 1672 मीटर। तो आपको ये जानकारी को ध्यान रखना है, याद भी कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, तो इसके बाद हमें मिलता है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद मिलेगा हमें तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं एक और है पहाड़ की चोटियां, एक ईस्टर्न घाट हिल्स में, उसका नाम है अरमाकोंडा, यह है अरमाकोंडा हिल्स, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1680 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 1680 मीटर, और यह कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो यह स्टेट में पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो इस सब के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा, लिख भी दूंगा, तो पहले यहाँ समझ लेते। तो अरमाकोंडा जो है उसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, और यह भी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेस्ट की ओर जाते हैं, तो एक और पहाड़ की चोटियां यानी कि एक और हिल्स मिलती है, उसका नाम है नल्ला मल्ला हिल्स, यानी कि उसका नाम है नल्ला मल्ला पहाड़ियां भी कहते हैं। और यह जो नल्ला मल्ला पहाड़ी है वह तमिलनाडु सॉरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका जो विस्तार है नल्ला मल्ला हिल्स का, उसका विस्तार है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट में। उसी के थोड़ा सा वेस्ट और जाएंगे तो हमें मिलता है इरामला हिल्स, इसका नाम है इरामला हिल्स। तो यह नल्लामला हिल्स के बगल में थोड़ा सा वेस्ट की ओर नल्लामला हिल्स है, तो यह भी है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं अब, तो हमें मिलता है वेलिकोंडा हिल्स, तो इसके नीचे में है वेलिकोंडा हिल्स। उसके थोड़ा सा और वेस्ट साइड की ओर जाते हैं थोड़ा सा, तो हमें मिलता है सीसाचलम हिल्स। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं वेलिकोंडा की बात है सीसाचलम हिल्स, तो यह भी है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में। उसके थोड़ा नीचे जाते हैं जो पहाड़ की जो सीरीज है जो श्रृंखला है उसमें मिलता है हमें पालकोंडा हिल्स, तो यह है पालकोंडा हिल्स, और इसी को हम लोग कहते हैं दूध पहाड़ी, तो यह भी है जानकारी। तो इसको मैं अभी आप लोगों को एक एक करके अच्छे से बताऊंगा। तो ये जो पालकोंडा हिल्स है इसी को हम लोग कहते हैं दूध पहाड़ियां। उसके नीचे जाने पर हमें मिलता है नागारी हिल्स,
और फिर उसके भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें मिलता है नागरपुरम हिल्स। तो ये सब जो है कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो है 8 पहाड़ की चोटियां या पहाड़ी हिल्स है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में। तो पहला है अरमाकोंडा हिल्स, दूसरा है नल्लामल्ला हिल्स, तीसरा है इरामला हिल्स, चौथा है वेलिकोंडा हिल्स, पांचवा है सीसाचलम, छठा नंबर का जो है पालकोंडा, और सातवां है नागारी हिल्स, और आठवां है हमारा नागरपुरम हिल्स। और इसी पालकोंडा हिल्स को हम कहते हैं दूध पहाड़ियां। तो दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है तमिलनाडु राज्य में जो पहाड़ की चोटियां हैं, जो हिल्स हैं इसके बारे में। तो जो सबसे पहला है वह है जवादी हिल्स, दूसरा है सेवराई हिल्स, तीसरा है पंचमलाई, और चौथा है सिरुमलाई। और इसी जो पंचमलाई है इसी को हम लोग कहते हैं हरी पहाड़ियां भी कहते हैं। तो ये जो पंचमलाई है उसको हरी पहाड़ियां भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में जो जो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, इम्पोर्टेंट जो पहाड़ियां हैं, इसके बारे में ये थी जानकारी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है, आप लोग यहाँ मैप में भी देख सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। इसका विस्तार सतत नहीं है, मतलब इसका जो विस्तार है वह एक जैसा नहीं है, कहीं पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं पर इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन इसका जो विस्तार है वह सतत नहीं है, एक प्रकार का नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, यह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा में स्थित पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी या हिल्स जो जो है उसके बारे में जो जानकारियाँ हैं। तो पहला है हमारा महेंद्रगिरी पर्वत, और जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। तो महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई है 1501 मीटर, और आप लोग एनसीईआरटी के भी बुक में देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है यह इतनी ही दी गई है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके भी हमारा आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी पर्वत। लेकिन यहाँ पर आप देवमाली की हाइट जो देखेंगे वह 1672 है, अरमाकोंडा का 1680 है, लेकिन एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स लाना है। तो इसी कारण से एनसीईआरटी में दिया हुआ 1501, तो इसी को हमें उत्तर मान करके चलना है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। दूसरा जो है इसके बारे में जानकारी हुआ है उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है वह उड़ीसा की दूसरी सेकेंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी महेंद्रगिरी पर्वत पर ही महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो आपको यह भी जानकर ध्यान रखना है कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यह उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा में भी महेंद्रगिरी पर्वत पर स्थित है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा भगवान विष्णु के अवतार परशुराम से संबंधित है। तो यह जो है महेंद्रगिरी पर्वत, यह भगवान विष्णु, हिंदू धर्म के भगवान विष्णु जो है उनके अवतार हैं एक परशुराम, तो इनसे भी यह संबंधित है यह महेंद्रगिरी पर्वत। अगला जो दूसरा नंबर का पर्वत है, जो हिल्स है उड़ीसा में, वह है देवमाली हिल्स। तो वह है देवमाली हिल्स, आप लोगों को मैप में अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 1672 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 1672 मीटर, और यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि महेंद्रगिरी का 1501 है और देवमाली का है 1672। तो आपको ये जानकारी को ध्यान में रखना है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है, तो आपको ये जानकारी को ध्यान रखना है कि महेंद्रगिरी ही है, क्योंकि यह एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियाँ या हिल्स के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा अरमाकोंडा हिल्स, आप लोग मैप में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो अरमाकोंडा हिल्स की ऊंचाई है 1680 मीटर, 1680 मीटर, और उससे पहले देवमाली जो है 1672 मीटर था, और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, यानी कि महेंद्रगिरी से ये दोनों की ऊंचाई ज़्यादा है। अगर आप लोग नेट में सर्च करते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, तो आपको सबसे ऊंची चोटी जो पूर्वी घाट की है वह अरमाकोंडा दिखाता है। ये भी आपको जानकारी में ध्यान में रखना है कि अरमाकोंडा जो है वह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, ऐसा दिखाता है इंटरनेट में, लेकिन एनसीईआरटी को अगर फॉलो करेंगे तो वह महेंद्रगिरी पर्वत ही दिखेगा। तो आपको बस ये जानकारी ध्यान रखना है कि अरमाकोंडा हिल्स की जो ऊंचाई है वह 1680 मीटर है। दूसरा है हमारा नल्लामल्ला हिल्स या नल्लामल्ला हिल्स, आपको ये नाम भी जानकारी में ध्यान में रखना है, नल्लामल्ला हिल्स। तो यह क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विस्तार है। तो इसका जो विस्तार है वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में इसका विस्तार है, यह दोनों स्टेट्स में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है भैरानी कोंडा, यानी कि नल्लामल्ला हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं भैरानी कोंडा, और इसकी ऊंचाई है 1100 मीटर।
तो आपको यह ध्यान रखना है कि भैरानी कोंडा है नल्लामला हिल्स की सबसे ऊंची चोटी और इसकी जो ऊंचाई हुआ है 1100 मीटर। अगला है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का विस्तार अवस्थिति यहीं है। तो नागार्जुन श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है भारत में, उसका विस्तार है इसी नल्लामल्ला पहाड़ी पर ही, यानी कि इसका विस्तार है नल्लामल्ला पहाड़ी या हिल्स पर जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। तो ये ध्यान रखना है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये VVI है यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का विस्तार। इसके बाद है इरामला हिल्स, आप लोग मैप में अच्छे से देख सकते हैं। तो इरामला हिल्स जो है यह क्या है, तो यह कृष्णा नदी और पेन्ना नदी को अलग करता है। तो यह है कि कृष्णा नदी और पेन्ना नदी को अलग करने वाला जो है वह है इरामला हिल्स। आप लोग अगर मैप देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे प्राकृतिक, तो इसमें ये सब जानकारी मिल जाएगी, देखने मिल जाएगी कि कृष्णा नदी और पेन्ना नदी कहाँ है और इरामला हिल्स इन्हीं को अलग करती है। चौथा है हमारा वेलिकोंडा, या इसी को कहते हैं वेनुकोंडा हिल्स, तो यह है। उसके बाद है पांचवा है सेसाचलम पहाड़ी, पांचवा है जो सेसाचलम पहाड़ी, ये आप लोग मैप में भी देख रहे होंगे। छठा है पालकोंडा हिल्स, ये है हमारा पालकोंडा हिल्स मैप में, और यह जो पालकोंडा हिल्स है इसी का एक अन्य नाम है, या इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं मिल्क हिल्स या दूध पहाड़ियाँ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मिल्क हिल्स या दूध पहाड़ियाँ निम्न में से किसको कहा जाता है, कौन से पहाड़ी को कहा जाता है या कौन से हिल्स को कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर करेंगे पालकोंडा हिल्स को। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा है ये भी नल्लामल्ला भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हमारा सातवां नंबर में नागारी हिल्स या नगारे हिल्स, और आठवां है नागलपुरम हिल्स। तो ये सब जो है पहाड़ी वो सब सारे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो इसमें नल्लामल्ला हिल्स में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का विस्तार है या अवस्थिति है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ में पालकोंडा हिल्स में इसका जो अन्य नाम है वह है हमारा मिल्क हिल्स यानी दूध पहाड़ियाँ। तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पूर्वी घाट की चोटियाँ या पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं तमिलनाडु में स्थित पर्वत चोटियाँ या पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी या हिल्स के बारे में। तो पहला है हमारा जवादी या जावदी हिल्स, आप लोग मैप में तो अच्छे से देख ही लिए होंगे। तो जवादी हिल्स, तो इसकी ऊंचाई है 1400 मीटर और इसी पहाड़ी पर चंदन के जंगल हैं। दोस्तों जवादी हिल्स जो है उसकी ऊंचाई है 1400 मीटर और इसी पहाड़ी पर चंदन के जंगल हैं। चंदन एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी भी बहुत फेमस है, तो इसी पहाड़ी पर चंदन के जंगल हैं जवादी हिल्स पे। दूसरा है सेवराय, या इसी को सेवरायन हिल्स भी कहते हैं, तो इसकी ऊंचाई है 1620 मीटर। तो ये जो सेवराय या सेवरायन हिल्स है इसकी ऊंचाई है 1620 मीटर। तीसरा है पंचमलाई पहाड़ी, और इसे ही हरा पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो पंचमलाई पहाड़ी है या पंचमलाई जो हिल्स है इसी को हम लोग कहते हैं या इसी को कहा जाता है हरा पर्वत, यह है इम्पोर्टेंट। तो यह इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन फॉरेस्ट। अगर आप क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन फॉरेस्ट निम्न में से किसे कहा जाता है, तो आप इसका उत्तर करेंगे पंचमलाई पहाड़ी, इसी को ग्रीन फॉरेस्ट या हरा पर्वत भी कहा जाता है। और इसी पंचमलाई पहाड़ी पर साल वृक्ष के जंगल पाए जाते हैं। तो साल वृक्ष के जो जंगल पाए जाते हैं यानी कि बहुत ही यह हरा हरा दिखता है, हरा हरा होने के कारण ही इसे हरा पर्वत या ग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो साल वृक्ष के जंगल पाए जाते हैं पंचमलाई पहाड़ी पर। चौथा है सिरुमलाई पहाड़ी, तो चौथा है सिरुमलाई पहाड़ी, मैप में भी आप लोग देख सकते हैं। और यह क्या है, यह पूर्वी घाट की अंतिम पहाड़ी है। तो यह जो सिरुमलाई पहाड़ी है वह पूर्वी घाट की अंतिम पहाड़ी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1600 मीटर। तो इसकी ऊंचाई है 1600 मीटर, आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा में एक और पहाड़ियां है, एक और हिल्स है इसी पूर्वी घाट में, तो वह है कालरयान या कैलरेंस हिल। तो वह है कालरयान या कैलरेंस हिल। तो यह अलग से इसको मैं बता दिया हूँ, यह मैप में नहीं दिखाया हूँ लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसकी जो है दो भाग हैं, एक है चिन्ह या छोटा कैलरेंस और दूसरा है पेरिया या बड़ा कैलरेंस। तो इसके दो भाग हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तमिलनाडु में स्थित पर्वत श्रृंखला पहाड़ी हिल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पूर्वी घाट में जो भी पहाड़ियाँ थी, जो भी हिल्स थी, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से पहाड़ी हैं, कौन कौन से पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन सी चोटियां हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है, तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।